आप लोग का दूसरी बात है कि जो शोपियन के केस के बारे में जो डीएनए का जो सैंपल आया था आज हम सुबह हमारे पास मिल गया है, मैचिंग किया है और उसमें हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे। पॉजिटिव मैचिंग हुई, मैचिंग मतलब ये होता है पॉजिटिव मैचिंग हुई, आगे का जो आर्मी ने खुद कार्रवाई ऑलरेडी कर चुका था आप लोग के सामने ऑलरेडी शेयर कर दिया है लास्ट वीक में, और पुलिस का जो तफ्तीश का कार्रवाई होगा उसको हम लोग कर रहे थे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब क्या अभी तक उन तीनों का कोई इन्वॉल्वमेंट आया है, क्योंकि अभी तक उनको सस्पेक्ट ही देखा जा रहा है, उनकी मिलिटेंसी इन्वॉल्वमेंट बोल रही है। मैंने कहा ना कि अभी हम लोग अब हम लोग कार्रवाई को और तेजी से करना शुरू कर देंगे। सर क्या अभी क्वेश्चन हुई अभी तक? आप शुरू कर देंगे, आज से कर देंगे। और इंसिडेंट में आपका दो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, दो पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, ये क्यों किया है सस्पेंड एंड व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? अभी उस पर तफ्तीश चल रही है और एडिशनल डीसी जो बारामूला अभी उसमें पैरेलल मेडिकल इंक्वायरी कर रहे हैं, तब उसका सस्पेंड इसलिए किया गया कि जब उसको रिकवरी फर्दर करने के लिए ले गया था तो दोनों का हाथ से भाग गया था वो, तो ये इसलिए किया गया, वो और कोई खास बात नहीं है। नहीं उसमें तो लीगल ठीक है, उनको वहां से पकड़ के लाया गया था पूछताछ करने के लिए, फिर रिकवरी हुआ है, तो हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि उसको जंगल से लाया, उसको दुकान से लाया, तो वो तो फुटेज ही है। कौन सा किली? आप लोग से शेयर भी किए थे कि उनको वहां से लाया गया था, फिर रिकवरी हुआ था दो पिस्टल, फर्दर इंट्रोगेट किया गया था उनको थाना में, फिर उन्होंने बोला कि छेप और किया गया, फिर फर्दर रिकवरी के लिए उसको ले गया था बाहर, उस क्लियर कट है उसमें जो प्रेस ब्रीफ में पूरा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।